यूपी के चुनाव में चौथे चरण के लिए काफी जद्दोजहद के बाद बांदा सदर का टिकट पूर्व मंत्री विवेक कुमार सिंह की पत्नी मंजुला सिंह पाने में कामयाब हो गईं। टिकट को लेकर आज मंजुला सिंह बांदा पहुंची, जहां उनके समर्थकों और सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंजुला विवेक सिंह को सैकड़ों की तादाद में सपाइयों और समर्थकों ने स्वागत करते हुए फूलमालाओं से लाद दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र में भारी जन समर्थन देखते हुए मंजुला सिंह ने अपने पति के नक्श कदम पर चलते हुए बांदा की जनता के हित में काम करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बांदा सदर के लिए समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई हैं मंजुला सिंह, पूर्व मंत्री विवेक सिंह की पत्नी हैं। विवेक सिंह कांग्रेस के टिकट पर बांदा से 3 बार विधायक के तौर पर निर्वाचित हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2017 का चुनाव विवेक सपा के सिंबल पर लड़े थे, लेकिन मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विवेक सिंह की छवि बांदा में विकास पुरुष के तौर पर बनी हुई है और यही वजह है कि सपा नेतृत्व ने विवेक सिंह के परिवार में ही भरोसा जताया है। आज मंजुला सिंह के बांदा पहुंचने पर सैकड़ों समर्थकों और सपाइयों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। मंजुला सिंह का कहना है कि वह अखिलेश यादव की आभारी हैं, जो उन्होंने उन पर भरोसा जताया है और इस भरोसे को कायम रखते हुए वह बांदा विधानसभा का चुनाव जरूर जीतेंगे और साथ ही बांदा वासियों के हित में जो भी काम हो सकते हैं उनको करना उनकी प्राथमिकता होगी। जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने विवेक सिंह के अधूरे सपनों को, हर सारे सपनों को साकार करूंगी। मैं अपने बांदा जी, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार से मिलने आई हूं और मैं सभी वर्गों का मुझे अपार सहयोग प्राप्त हो रहा है और मैं यह अखिलेश जी ने मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखाया, मुझे टिकट दिया, मैं उनके सच्चे दिल से आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरा। और मैं उनके हर सुख दुख में खड़ी रहूँगी बांदा के साथ और मैं एक सीट भरे भारी मतों से जीतूंगी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।